अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल कुकिंग विद किड्स। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से प्राउन्स। जी हाँ, जैसे आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। आप फिश प्राउन्स, इसका सीज़न चलता है, तो चलें आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसमें हमें चाहिए प्राउन्स तकरीबन 1.25 केजी लिए, मैंने 1.25 किलो प्राउन्स ले लिए। उनको अच्छे से मैंने साफ कर लिया, बीच में से जो इनकी वेन होती है वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट है यहाँ पर 1 टेबल स्पून, उसको अच्छे से वॉश कर लें, उसकी वेन को साफ कर लें। यहाँ पर मैंने पतीली में तकरीबन 1 लीटर मैंने पानी डाला है। प्राउन्स को हम थोड़ा सा उबालेंगे जिसकी वजह से इसकी स्मेल जो होती है वो निकल जाएगी, और इसके अंदर हम जो अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून वो ऐड करेंगे। इसको और हाई फ्लेम पे हम रख देंगे। जैसे इसमें एक बबल से बनने स्टार्ट होंगे, एक जोश आएगा, जल्दी से हम चूल्हा बंद करके और इसका बस इस पॉइंट पे हम इसको फौरन निकाल लेंगे। ज्यादा नहीं इसको उबालना है, सिर्फ बस एक इसमें से उबाल आना चाहिए। जैसे ही उबाल स्टार्ट होगा आना, फौरन हम इसको इसका पानी हम छान लेंगे। ये देखिए कितने साफ सुथरे, अच्छे वॉश हुए हुए लग रहे हैं, धुले धुले हुए, और आप यकीन जाने इससे इसकी बदबू बिल्कुल निकल जाती है। जब आप खाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप प्राउन्स खा रहे हैं। इसकी स्मेल पसंद नहीं होती है लोगों को, जिसकी वजह से वो प्राउन्स नहीं खाते। बस ये 1 टेबल स्पून मैंने इधर तेल लिया है और उसमें प्राउन्स डाल के सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए बस इसको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत आसान और बहुत अच्छी रेसिपी है, झटपट बनने वाली, और आप लोगों को यकीनन पसंद आएगी। देखिए कितने अच्छे साफ सुथरे धुले धुले से इधर लग रहे हैं प्राउन्स, और इसमें बिल्कुल भी हीट नहीं होती, बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती, इसकी बिल्कुल निकल जाती है। आप लोग जरूर इस तरीके से ट्राई करिएगा। अब उसी सेम पतीली में हमने थोड़ा सा तेल डालेंगे। यहाँ पर तकरीबन 1 मेरे पास प्याज थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको फ्राई करेंगे तकरीबन हल्का सा, जब गोल्डन ब्राउन होने लगेगी कड़ी पत्ता की डाल दूंगी मैं। डंडी समेत इसलिए डाल रही हूँ जो इसकी ज्यादा खुशबू जो होती है वो इसके स्टेक में ही होती है, इससे बहुत अच्छी सी सालन में एक जायका आ जाएगा और इसकी खुशबू से भी बहुत अच्छे से। यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, मैंने वो भी ऐड कर दिया इसमें। अब यहाँ पर हमारे पास मसाले हैं तकरीबन 1.5 टी स्पून मेरे पास लाल मिर्च है, 1 टी स्पून मेरे पास नमक है, नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं नमक मिर्च, हल्दी भी 1 टी स्पून है, और यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला है 1/2 टी स्पून, और
चार मेरे पास यहाँ पर हरी मिर्च है, इसको हम बारीक बारीक चॉप करके डालेंगे। और यहाँ पर मेरे पास टोमेटो पेस्ट है, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून है। आप टमाटर भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। ये सारे जो हमारे पास पाउडर मसाले थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बना रही हूँ, अगर इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आप देखिएगा इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। अब उसी सेम प्लेट में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, उसमें मसाले क्योंकि लगे हुए थे वो उसमें पानी मैंने डाल दिया है पतीली में, बस इसमें हल्का सा एक उबाल देंगे। जैसे इसमें बबल्स बनना स्टार्ट होंगे ये देखें, इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। हरी मिर्चों का जो हमारे पास थी वहाँ पर, उनको हम बारीक बारीक उसको मैं चॉप कर लूँगी। ज़रा मोटा मोटा सा रखना है, बिल्कुल बारीक, उसको पेस्ट नहीं बनाना ऐसे। और इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। टमाटर का जो पेस्ट है वो भी इसमें हम डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने एक गिलास पानी डाला था, 1-1.5 गिलास तकरीबन पानी डाला था ताकि इसमें मसाला अच्छे से भुन जाए। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी एक मसाले की, जैसे पूरी रेडी हो जाता है, उस वक्त हम इसमें फिर प्राउन्स डालेंगे। थोड़ा पानी कम भी हो गया है, अब इस वक्त हम इसमें प्राउन्स ऐड कर देंगे। बस अब इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको ढक के पकाऊंगी। इतनी देर मैं बस इसको रखूंगी ताकि मैं इसमें चेक कर लूं कि जितनी हमें मसाला चाहिए, जब उतना रह जाएगा इसका शोरवा तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। ये जो स्टिक मैंने डाली थी कड़ी पत्ते की वो मैंने निकाल ली। इसको ढक के मैंने पकाया। अब मैं इसको जितना देखें रेडी हो गया है, मुझे जितना चाहिए था उतनी देर के लिए मैंने इसको पकाया, जितना मुझे शोरबा चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी और डाल के इसको पका लें, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था ये। ये देखें, हल्के से हरा धनिया और 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक कट करके ऊपर से इसको गार्निशिंग के लिए डाला था। प्राउन हमारे यहाँ पर रेडी है। झटपट आसान सी रेसिपी है, यकीनन आपको पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह फिर और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।